तो स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक थ्योरम। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये रहा हमारा थ्योरम और इसमें ये चीज कही गई है कि लेट पी बी आर प्राइम नंबर। तो सबसे पहले बच्चा जी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है, जिसके क्या होते हैं फैक्टर कितने आते हैं, या तो नंबर खुद आता है और वन आता है। जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है जी, 2 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 और 1। अगर 3 की बात की जाए, 3 और 1। 4 की, 4 तो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा आपका 5, क्योंकि 4 में क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, तो 5 का 5 और 1। तो ऐसे नंबर जिनके क्या हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, नंबर खुद और 1 2 फैक्टर। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इधर क्या चीज कही गई है कि जो पी है, पी बी आर प्राइम नंबर। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं लेट पी इक्वल टू 3, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर। अब इन्होंने बोला इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि ए स्क्वेयर को अगर पी डिवाइड करता है, तो अगर हम ए स्क्वेयर ले लेते हैं 144, अब ए स्क्वेयर मतलब कि 144, तो ए क्या होगा, 144 किसका स्क्वेयर है, दैट इज 12। ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर ए स्क्वेयर को पी डिवाइड करता है, इफ पी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर क्या है, 144 और पी क्या है, 3। ठीक है जी, अब इसको हमने डिवाइड करना है, जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है कि पी अगर डिवाइड करता है ए स्क्वेयर को, जैसे 3 1 3, 3 4 12, 2 बच गया और 4 यहाँ पे, 3 8 24, तो यहाँ पे क्या आ गया, 48। अगर इफ बोला गया है, देखो यहाँ पे, कि इफ ए स्क्वेयर अपॉन पी, या पी डिवाइडेड या पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वेयर को, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, तो क्या इन्होंने बोला देन पी डिवाइड ए आल्सो। तो अगर ए स्क्वेयर 144 है, तो ए क्या है, 12, तो यहां पे क्या है, देन 12, या आप यहां पे लिखेंगे ए अपान पी, दैट इज कितना आएगा, ए कितना है, 12, 12 अपान 3। ठीक है जी, तो 3 1 3, 3 4 12। अब इन्होंने कहा है वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अब ए क्या है, हियर ए इज द पॉजिटिव इंटीजर, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर आपने बोलना है हियर पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर एंड पी आल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है जी, जो आपकी ये थ्योरम है, कहने का मीनिंग ये है कि इन्होंने कहा कि अगर पी जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी थ्योरम के बेस पे हम लोग अपने कुछ जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूफ करना है रूट थ्री इज इरेशनल, मतलब इरेशनल करने के लिए हमने क्या करना है, मान लेना है, लेट करते हैं, लेट रूट थ्री इज, या इसको ऐसे करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट थ्री इज रैशनल नंबर। रूट थ्री क्या है,
रैशनल नंबर दैट इज रूट थ्री इक्वल टू पी अपान क्यू। मतलब अगर जो भी रैशनल नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, पी अपान क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन यहां पे आ जाए। दैट इज रूट थ्री इक्वल टू पी अपान क्यू। ठीक है जी, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, ये साथ में रीजन जो है जरूर लिखना, ताकि आपके जब भी क्वेश्चन आप करो तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ना। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्केयरिंग करनी है बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा हमें, रूट थ्री का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू पी अपान क्यू का स्केयर। ठीक है जी, तो ये स्केयर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा थ्री इक्वल टू पी स्केयर अपान क्यू स्केयर। ठीक है जी, अब ये q जो है वो क्या करेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज यहां पे क्या आएगा, 3 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये आपकी आ गई फर्स्ट, मतलब इसको आप फर्स्ट बोलोगे। अब यहां पे हमारे पास क्या चीज है कि जो 3 है, 3 किसका फैक्टर है, यहाँ पे p का फैक्टर है। ठीक है जी, ये लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना कि कैसे करना है क्वेश्चन को वो देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अब जैसे अगर बोला जाए, देखो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास p है, p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है, अगर p से ये डिवाइड हो सकता है, मतलब 3 डिवाइड हो सकता है, हम बोलेंगे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, या आप इसको लिखो मत इस स्टेप को, आप इसको बस समझ लो। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी, अब कैसे हुआ, यहां पे देखेंगे थोड़ा सारा कंसेप्ट। अच्छा, जैसे यहां पे आपको एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे डिविजिबल है, इसको आपने चेक करना है कि p स्क्वायर अपॉन 3 है। ठीक है, कि मैंने आपको एक स्टेप लिखाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपने नोटबुक पे लिखना नहीं है, बस समझ लो। तो यहाँ पे क्या है कि p स्क्वायर अपॉन 3 है, तो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आता है, क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन 3 जो होगा क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का ये मीनिंग है पी स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ेंगे, आपने आगे लिखना है देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है जी, एक मिनट, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है बच्चों, यहां तक ओके है? ठीक है, अच्छा अब आपको पता है, एज वी नो दैट 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू p, आपको पता है p स्क्वायर के ये बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे लेट करते हैं कि p इक्वल टू क्या आएगा, कोई नंबर ले लो q के अलावा, कोई और नंबर ले लो, p के अलावा कोई और नंबर ले लो, तो आप यहां पे इसको ले लोगे 3c या 3
एम भी ले सकते हो, एल भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर नाइन और सी स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां पे यहां से हम थ्री उठाएंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर अपॉन थ्री। तो थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर, ये भी आ गया। मतलब कहने का क्या है कि यहां पे आपने देखा था थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर, ठीक है। यह आपने दी थी यहां पे, ये फर्स्ट थी, इसको आप दे दो सेकंड और इसको दे दो आप थर्ड, ठीक है बच्चा जी। अब मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, अब थोड़ा मैं मिटाऊंगा, चलो इसको आप उतार लो, फिर मैं आगे लिखता हूं। अच्छा, अब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या हुआ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हमारे पास क्या चीज आई कि क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल आया थ्री से। आप लिखेंगे बाय थ्योरम क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री एंड क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है जी। अब यह आ गया आपका लाइक, इसको आप फोर्थ दे सकते हो, ठीक है जी। तो देर फोर, या यहां पे नहीं, इसको आगे लिखो, देर फोर जैसे आप लिखा है ये वाला स्टेप आप लिखोगे थ्री इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, ये आ गया आपकी फोर्थ, ठीक है जी। फ्रॉम स्टेटमेंट या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी कंक्लूड दैट थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है जी, फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। आगे लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर थ्री इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, ठीक है जी। ठीक है बच्चा जी, चलो। अच्छा, बट आगे क्या था कि हमने जो चीज बताई थी आपको, मैंने क्या बताया था कि जो पी एंड क्यू है, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, तो को प्राइम्स नंबर्स क्या होते हैं जिनका फैक्टर क्या है, लाइक ये चीज बोल सकते हैं हम वन जो होगा वो कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है। लेकिन पी और क्यू क्या है, को प्राइम, यहां पे क्या आ रहा है थ्री इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हियर कम्स कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन क्या होता है कि जहां पे क्या होता है कि हमारा जो हमने सपोज किया होता है या एज्यूम किया होता है वो चीज गलत हो जाती है, उस टाइम पे कंट्राडिक्शन आता है, ठीक है जी। सो अब एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है जी। ठीक है बच्चा जी, इसमें हर एक चीज बताई गई है, बेसिक एक एक चीज को कवर किया गया है इस क्वेश्चन में। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको
पेपर में आएगा कि रूट थ्री रूट फाइव, ये वाले आपने याद रखने, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव, ये तीनों आपने करने ही करने हैं, और रूट सेवन ये भी ले लो। तो इस केस में मतलब ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपने यही प्रोसीजर जो है फॉलो करना है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग सिर्फ प्योर इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इम्प्योर रैशनल इरेशनल नंबर के ऊपर होगा, ठीक है बच्चा जी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखें और अपने प्रीवियस रिकॉल कर लें, ताकि जब भी हमारा न्यू लेक्चर आए तो आपको पिछले कंसेप्ट सारे क्लियर हो, ठीक है बच्चा जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।